नमस्ते आप सभी को। मोहन मिथिला किचन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो हम लेके आ गए हैं अपना अगला वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं छिट्टे में साग है। तो ये बांस का बना हुआ छिट्टा है, हम लोगों के यहाँ बहुत ही फेमस है इस तरह का सामान। तो इसमें हम बथुआ का साग धो के रखे हैं। ये बथुआ का साग है जो कि हम ले लिए हैं। साग आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा साग है, तो ये 2 kg साग हम लिए हैं स्पेशली। तो साग का हम क्या कर रहे हैं वो आप देखिए। तो इस तरीके से हम साग को धो के, पहले धो के ले आए हैं, फिर इस तरीके से सबको एक लाइन में रख रहे हैं, 4-5 साग को जोड़ रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से जोड़ रहे हैं हम साग को 4 या 5 लेके, और हम ऐसे करके इसमें सूपा में डाल रहे हैं। तो साग का सुखोरी बनता है हम लोग के यहाँ बिरिया जिसे बुलाते हैं। आप लोग समझ लिए सुखोरी, और हमारे मिथिला के भाषा में हो गया ये बिरिया। तो इसको हम सूपा में इस तरीके सजाने के बाद हम इसको सूखने के लिए धूप में डालने वाले हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, हल्का सा, अभी इधर उधर पैर हाथ पसारे हुआ है देखिए जैसे कि। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा 2-4 घंटा के बाद, चाहे कल तक, हम इसको आज पूरा दिन धूप लगाने वाले हैं सजाने के बाद। और फिर आपको अगला हम दिखाएंगे कि हम सुखाने के बाद इसको बेसन लगा के हम फिर से सुखाएंगे। बेसन में डालने के बाद, बेसन लगा के, बोलने से समझ में नहीं आएगा उतना आप लोगों को, तो आप लोग देखते रहिएगा और हमारे वीडियो को पूरा तरह से देखिए, पूरा वॉच कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए और हमारे तरीका से आप लोग भी अपने घर में बनाइए। तो हम आपसे फिर मिलेंगे जब इसको हम सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद क्या सब करने वाले हैं उसके लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए। तो हमारा साग सूख के तैयार हो गया है। रात में हम दाल भी भिगोने के लिए डाल दिए थे। ये उड़ीद का दाल है जिसे हम अपना बिरिया बनाने वाले हैं। तो अब हम इसको पीस लेते हैं, फिर हम चलते हैं छत पर, दिखाते हैं आपको कि हम किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए साग हमारा 2 किलो साग इतना ही हुआ है अभी तक। थोड़ा बहुत हम उसमें से आज बनाए हैं, और इतना साग हमारा बिरिया के लिए तैयार हुआ है। अब हम इसको आराम से अपना, देखिए आप लोग किस तरीके से हम बेसन लगा के अब इसको सूखने के लिए डालने वाले हैं। तो इस तरीके से हम उठा लेंगे अपने साग को, जैसे करके कल हम सजाए हुए थे पकड़ पकड़ के। ये अब हो गया है सॉफ्ट। अब बेसन हम ले आए हैं पीस के, तो इस तरीके से हम बेसन को हल्का पतला कर लिए हैं। अब हम इसको ऐसे डुबा के हल्का इस तरीके से दबा के फिर बेसन को हम निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और फिर हम अपना सूपा में फिर से इसको सूखने के लिए डालेंगे। तो इसी तरीके से हम जितना भी साग है हमारे पास सूखा हुआ, सबको ऐसे ही बेसन में लपेट लपेट के फिर हम सुखा लेंगे। तो देखिए 2 सूपा का साग हमारा एक ही सूपा में एडजस्ट हो गया है, एक सूपा पूरा खाली हो गया है। तो हमको लगता है सूखने के बाद ये और कम होने वाला है। धीरे धीरे हमने 2 सूपा का साग का बना लिया है। अब हमारा थोड़ा और साग बाकी है, उसको हम दूसरे सूपा में अब सजाएंगे। तो धीरे धीरे हमने सारे साग को लपेट के अब सूखने के लिए डाल दिया है। अब ये हमारा साग 2 दिन में सूख के तैयार होगा, फिर हम आपको इसका सब्जी बना के दिखाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन सब्जी इसका बनता है हमारे मिथिला बिहार में। तो हमारा वीडियो देख के आप लोग भी अपने घर में इस तरीके से बना लीजिएगा। तब तक हम अब मिलेंगे आपसे, सूख जाएगा उसके बाद सब्जी बनाने वक्त, तो 2 दिन लगेगा हमको इसको सुखाने में। तो देखिए हम लेके आ गए हैं अपना सूखा हुआ साग का बिरिया, जो कि हम पूरा आपको दिखाए थे शुरू से। तो हमारा 2-3 दिन लगभग बीत चुका है, साग पूरी तरह से सूख के तैयार हो चुका है इस तरीके से। देखिए सूख गया है एकदम अच्छे से। तो अब हम इसका सब्जी बनाने वाले हैं आज, तो आपको दिखाएंगे पूरा रेसिपी सब्जी का, जो किस तरीके से हम इसका सब्जी बनाते। तो हम सब्जी बनाने के लिए ले लिए हैं ये सूखा हुआ साग, 4 मूली ले लिए हैं इसमें डालने के लिए, आलू, कच्चा टमाटर जो सब्जी को खट्टा करेगा थोड़ा सा, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में,
और प्याज, और इधर मसाला के लिए हम ले लिए हैं लहसुन, सूखा मिर्ची, जीरा, सरसों, और ऊपर से हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, कढ़ाई हम गर्म होने के लिए पहले से डाल दिए हैं। तो अब हम डालते हैं इसमें तेल। पहले हमको साग का जो ये बिरिया है उसको भून के अच्छे से बाहर निकाल लेना है, तो इसके लिए हम डाले हैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम डाल देते हैं इसमें साग के सुखोरी को, जिसको हम यहाँ बोलते हैं बिरिया, जिसको हम अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सबको अच्छे से हल्का लाल करके भून के निकाल लेना है, जैसे हम लोग अदौड़ी को भूनते हैं उसी तरीके से इस साग को भी हमको भूनना पड़ता है। तो अब हमारा साग अच्छे से भून के फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सबको भून लिए हैं। तो हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, अब थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे अपना पचफोरन, जो कि सब्जी के स्वाद को और भी अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है। तो पचफोरन हमारा चटक चुका है अच्छे से, ये देखिए। अब हम डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज, तेज़पात हमने इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि सरसों वाले सब्जी में उतना तेज़पात का ज़रूरत रहता भी नहीं है। तो प्याज अब हमारा भून के तैयार हो चुका है, अब हम आलू और मूली एक साथ ही काट लिए हैं, इसको डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा आलू अच्छे से भून चुका है, ये देखिए नज़दीक से हम दिखा रहे हैं आपको। और अब हम थोड़ा देर अपना कटा हुआ टमाटर, जो कच्चा टमाटर हम दो ठो लिए थे उसको काट के डाल दिए हैं, और थोड़ा देर इसको हम अब भून लेंगे। तो टमाटर भी हमारा भून चुका है, अब हम मसाला भी पीस के अपना तैयार कर लिए हैं। मसाला डाल के अच्छे से थोड़ा देर हम भून लेंगे सब्जी को। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। तो हम आधा चम्मच डाल रहे हैं धनिया पाउडर और नमक, दो चम्मच नमक हम ले लिए हैं छोटा चम्मच से, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच। सबको अब अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे। तो हमारा सब्जी भून के तैयार हो चुका है, अब हम पानी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पानी के लिए हम ले लिए हैं एक गिलास पानी। इस तरीके से हम सबको मिला लेंगे अच्छे से, और थोड़ा रसदार ही सब्जी हम आज बनाने वाले हैं, तो थोड़ा और पानी डाल देते हैं। तो हम ले लिए हैं थोड़ा सा पानी और, क्योंकि इस सब्जी में थोड़ा सा रसदार ही अच्छा लगता है खाने में। अब हम डाल देते हैं अपना भुना हुआ साग ऊपर से इस तरीके से। सभी साग को हम अच्छे से डाल दिए हैं, अब हम आपको थोड़ा देर के लिए सब्जी को ढक लेते हैं, फिर हम बनने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा सब्जी तैयार होकर कैसा बना है। तो अब हम आ गए हैं फिर से किचन में, देख लेते हैं अपने सब्जी को। तो हमारा सब्जी लगभग बन के हो गया होगा तैयार। हाँ, ये बन के हो चुका है अच्छे से तैयार, जैसा हमको चाहिए था वैसा ही है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद, साग भी हमारा अच्छे से पक चुका है। गैस को हम कर लेते हैं बंद और फिर आपको दिखाते हैं बाटी में निकाल के कि कैसा लग रहा है देखने में। खाने में भी स्वादिष्ट होगा बहुत ही ज़्यादा, आप लोग भी ट्राई किया कीजिए इस तरह के सब्जी को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने निकाल लिया है दूसरे बर्तन में कढ़ाई से, तो हमारा सब्जी बन के पूरा तरह से अब रेडी है खाने के लिए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। इस तरीके का सब्जी आप लोग भी ट्राई करिए अपने घर में, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और देसी सब्जी है बिल्कुल, कोई भी इसमें मिलावट नहीं, कुछ नहीं।
तो खाइए, खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे आपसे अगले।